से संबंधित आपने सवाल वेरी गुड इवनिंग माय सर, मैं नरेश कुमार फ्रॉम चंडीगढ़ जी। एक्चुअली मैंने 15 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है अलाहाबाद बैंक से जी। तो उसकी अभी बेस रेट, पहले जब हमें मिला था लोन तो 10.75% बेस रेट था जी। तो वो मई में घट गया था, वो हो गया 10.50 जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो जैसे बेस रेट कम हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मेरी EMI कम होगी या वो इंटरेस्ट की जो रेशियो है वही कम होगी सिर्फ? इसमें आप अपना बता पाएंगे आपकी एज कितनी है नरेश जी? मेरी एज 34 है सर। ओके, आपको कितना समय हुआ है लोन लिए? अभी मेरे को, मैंने दिसंबर में लिया था सर ये। राइट, क्योंकि इसमें जैसे आप बता रहे हैं बेस रेट कम हुआ, बेस रेट वो रेट जिसके नीचे बैंक सेलेंड नहीं कर सकते हैं। बलवंत साहब, अगर ये जैसे कह रहे हैं EMI, बैंक सोचता है टेन्योर भी घटा दें, मतलब राहत उस फॉर्मेट में भी दी जा सकती है। देखिए नरेश जी, ऐसा है कि बेस रेट कम होने पे या बढ़ने पे आपका EMI बढ़ेगा या टेन्योर घटेगा बढ़ेगा, वो मुख्यतः डिपेंड करता है कि जो आपका एग्रीमेंट है उसमें क्या लिखा है। तो मेरा सुझाव है आप आपका एग्रीमेंट देख लीजिए तो उस आपको आइडिया जाएगा। पर नॉर्मली जब रेट कम होती है तो बैंक्स EMI को के साथ छेड़छाड़ नहीं करती है, परंतु आपका जो जो टेन्योर है वो अपने आप कम हो जाता है। पर मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जब रेट बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, और अगर जो टेन्योर है जो बैंक है ना वो एक्सटेंड कर सकती है आपका टेन्योर, परंतु अगर आपका टेन्योर अगर रिटायरमेंट की एज के बियॉन्ड जाता है तो बैंक के पास आपकी EMI बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। और दूसरे सिनेरियो में क्या होता है कि आपका जो EMI है वही आपकी एग्जिस्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो भी सर्विस करने के लिए सफिशियंट नहीं है, तो उस केस में भी बैंक आपका जो है वो EMI बढ़ा देगी। राइट, अच्छा जिस तरह से बलवंत साहब हमने देखा ये बेस रेट में जो स्विच हुआ था BPLR से, ये ऑलमोस्ट 2010 जुलाई राउंड अबाउट जब हमने देखा स्विच हुआ, इसमें आप बाकी व्यूअर्स को किस तरह से समझाना चाहेंगे? क्योंकि बेस रेट सेंट्रिक कई बार सवाल आते हैं, क्योंकि अभी जब रिजर्व बैंक की तरफ से सिग्नल मिला था और बैंक्स ने बेस रेट में अब कमी की, क्योंकि कहा जा रहा था लेंडिंग रेट्स में जब कमी होती है तो नए कस्टमर्स को तो जो बेनिफिट होता है, लेकिन बेस रेट कम हो तो एग्जिस्टिंग को भी उस तरह से उसको पास ऑन करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस जिस तरह से जो प्रणाली वर्क करती है ये थोड़ा आप उसके समक्ष रख सकें, फिर अगले क्वेरी की तरफ मूव करेंगे। देखिए ऐसा है, बेस रेट जैसे आपने बताया वो रेट है उसके नीचे बैंक किसी को भी लेंड नहीं कर सकती, पर इसके अगेंस्ट जो पहले प्राइम लेंडिंग रेट हुआ करता था उस पर वो बैंक एक रेट स्पेसिफाई कर देते थे, पर उसमें अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग क्रेडिट प्रोफाइल वाले को अलग अलग डिस्काउंट मिलता था, वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। जो बेस रेट का जो रेजिम है वो ट्रांसपेरेंट है, आपको मालूम पड़ रहा है कि आपको जो जो बेस रेट है, बेसिक फ्लोर रेट है, उसे कितना ज़्यादा रेट आपका लग रहा है। तो जब बैंक आपको लैंड करती है तो एक स्प्रेड देती है कि जो बेस रेट प्लस 0.5%, बेस रेट प्लस 0.75%। तो जैसे ही बेस रेट कम ज़्यादा हो जाएगा वैसे ही आपका जो जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है वो भी चेंज हो जाएगा, वो PLR जो थी उसमें नहीं होता था। Right. तो अभी तो खैर वैसे सब लोग बेस रेट पे ही ले रहे हैं, बैंक PLR पे दे भी नहीं सकती, पर जो लोग PLR में है वो भी मेरा तो सजेशन रहेगा कि वो बेस रेट में शिफ्ट कर दें जी। तो ये इस तरह से प्रोसेस वर्क करता है।